दोस्तों, ये मोबाइल है जियो का या फिर दूसरे के तरह ही, और इसमें जो प्रॉब्लम है कि इसमें हमारा नेटवर्क शो नहीं हो रहा है, ना तो इसमें इंसर्ट सिम का शो हो रहा है, ना तो इसमें सिम लगाने पर शो हो रहा है। तो इसको किस तरीके से सही करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे अपग्रेडेड टूल डाउनलोड किया है जो कि R19 वर्जन करके है, और इसमें हम जो है AF271 को फ्लैश फाइल को हम जो है इसमें जो है ऐड करेंगे। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम था क्या कि पहले की ये जो सेट को फ्लैश कर रहे थे तो इसमें जो इस तरीके का, देखिए इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा था। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे देखिए, ये अनटिक करने पर इसमें फ्लैश तो हो गया, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा कि ये सिम जो है का प्रॉब्लम आ गया, और इसमें जो है सिम लगाने पर कुछ शो नहीं हो रहा था, तो उसी को हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मेन प्रॉब्लम था हमारा वो अपग्रेडेड डाउनलोड टूल का ही था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इसमें हुआ है मोबाइल में। तो ये किसी दुकानदार के पास गया था मोबाइल, और उसने जो है इसको सॉफ्टवेयर क्यों किया, लेकिन सेटिंग में जाकर जो है इसका जो LTE वाला वो ऑप्शन होता है उसको अनटिक कर दिया था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर तो चढ़ गया लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम था नेटवर्क आ गया। तो देखिए, अभी हम इसको हम दूसरे वर्जन से हम इसको अपग्रेडेड टूल से जो है इसी फ्लैश फाइल को फ्लैश कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो सही हो गया था। तो आपको भी इस तरीके से जो है फ्लैश करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था तो पहले तो उस टूल से चढ़ाने पर जो है एरर आ रहा था। एरर आने के बाद जब वो सेटिंग से उसको LTE वाला ऑप्शन को अनटिक कर देते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर तो चढ़ जाता था, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा रहता था कि इसमें सिम जो है शो नहीं हो रहा था। तो मैं भी काफ़ी देर से परेशान था, तो वो चीज़ हो नहीं रहा था। फिर मैंने एक अपग्रेडेड टूल लेटेस्ट वर्जन का इसका डाउनलोड किया, R19 वर्जन का। तो वो जो इससे मैंने फ्लैश किया तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है एरर नहीं आया, और सॉफ्टवेयर जो था वो पूरी तरीके से देखिए चढ़ गया था। तो चलिए, अभी सीट को हम ऑन करते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम था हमारा सही हुआ कि नहीं। तो चलिए, इसमें बैटरी को इंजर करते हैं, और इसमें थोड़ा बैटरी चार्ज नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा चार्जिंग को प्लग इन करके सीट को ऑन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर ऑन होने के बाद। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सेट ऑन हो चुका है, और इसमें जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो चुका है, और मोबाइल में जो है नेटवर्क पूरी तरीके से आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जियो 4G करके आ गया है, और इसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो अगर आपको मिलता रहेगा।